तो अभी हम देखेंगे कोलरी ऑफ फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ जी है ना, तो उसके अंदर जो ऑड डिग्री के वर्टाइसेस होंगे ना, जो नंबर ऑफ ऑड डिग्री के वर्टाइसेस हमेशा इवन होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है जी, उसके पास बहुत सारे वर्टाइसेस है, मान लीजिए एन वर्टाइसेस है उसके पास, ठीक है। उसमें से मैं टी वर्टाइसेस ऐसे बोल रहा हूँ जो ऑड, उनकी डिग्री ऑड है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो टी जो वर्टाइसेस है उनका जो सेट कंटेंट करेगा वो इवन होगा। मतलब मेरे पास टोटल इवन नंबर के वर्टाइसेस होंगे जो जिनकी डिग्री ऑड होगी, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उसकी डिग्री एक सेट हमें बताना है, एक सेट जो कंटेंट करेगा ऑड डिग्री के वर्टाइसेस, और उस सेट का जो कार्डिनलिटी होगी, मतलब जो सेट के नंबर्स होंगे, जो सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उससे हमें ऑड दिखाना है। तो उसका प्रूफ देखते हैं। तो हम एक सेट डिफाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ग्राफ जी है, तो हमें पता है वी उसका वर्टाइसिस सेट होता है और ई उसका एजेस सेट होता है। तो इस वर्टाइसिस सेट के अंदर ऑड डिग्री वाले वर्टाइसिस भी है और इवन डिग्री वाले वर्टाइसिस भी है। तो हम डब्ल्यू एक सेट डिफाइन करेंगे जो कंटेंट करेगा, इसके अंदर ऐसे वर्टाइसिस होंगे, ऐसे वर्टाइसिस होंगे जी में से, सच डैट उनकी डिग्री जो वर्टाइसिस की होगी ना वो होगी ऑड, ठीक है। ये एक सेट है, डब्ल्यू हमने सेट डिफाइन किया कि हमने ऐसे वर्टाइसिस कलेक्ट किए जी में से, सच दैट उनकी डिग्री क्या होगी, ऑड। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डब्ल्यू की जो कार्डिनलिटी होगी, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डब्ल्यू होंगे इस सेट के अंदर होंगे, वो हमें दिखाना है इवन। हमें अभी ये क्लेम है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो टोटल वी सेट, वी हमारे पास वी एक सेट है जिसके अंदर एन वर्टाइसिस है। उसमें से हमने क्या किया कि कुछ डब्ल्यू सेट निकाल लिया, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे, जो बचे हुए एलिमेंट्स हमें इसे यू सेट से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि होगा वी सेट माइनस डब्ल्यू सेट, जो बच गए एलिमेंट्स, तो उनकी डिग्री ऑब्वियसली कितनी होगी, इवन होगी, क्योंकि ऑड वाले तो डब्ल्यू में चले गए। तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन रह गए, ऐसे वर्टाइसेस होंगे इस सेट के अंदर जिनकी डिग्री, जिनकी डिग्री होगी इवन। तो हमने ऐसे एलिमेंट्स यू के अंदर कंसिडर किए। तो यू के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, यू के अंदर ऐसे वर्टाइसेस है जी के जिनकी डिग्री है इवन, और डब्ल्यू के अंदर ऐसे वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री है ऑड, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट थ्योरी ऑफ ग्राफ थ्योरी लगाएंगे, हम फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे ग्राफ थ्योरी का। तो एक नोट करने वाली बात यह है, जो यू जो सेट है ना, उसके अंदर टोटल वर्टाइसेस कितने हैं वो हमें नहीं पता कितने वर्टाइसेस हैं, हमें इतना पता है कि उनकी वर्टाइसेस की डिग्री कितनी है, इवन है। अब मुझे बताओ, अगर मैं सम ले रहा हूँ डिग्री ऑफ वी जो कि सेट यू है, इसके अंदर हर एक वर्टाइसेस जो कि इवन डिग्री के, उनका मैं सम ले रहा हूँ, मतलब हर डिग्री उनकी ऐड करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, हमेशा हमेशा इवन मिलेगा। ये नोट करने वाली बात है। अब ये कैसे हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो यू सेट है, ये यू सेट हो गया, इसके अंदर मान लीजिए कुछ वर्टाइसेस है, मान लीजिए वी पाँच वर्टाइसेस सपोज ले रहे हैं हम, सपोज, और हर एक की डिग्री कितनी है, इवन है, हर एक की डिग्री कितनी है, इवन है, हर एक की डिग्री की इवन है, कितनी इवन है। अगर हम इन सब का सम लेना, सम हर एक का सम ले, तो हमें क्या मिलेगा, इवन प्लस इवन, और हमेशा सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अगेन इज इवन, चाहे ये नंबर्स कितने ऑड बार ऐड किए गए हो या इवन नंबर बार ऐड किए हो, तो हमेशा इवन ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, जो क्योंकि इवन डिग्री का सम है, हर की डिग्री इवन है, इसलिए सम ऑफ ऑल वर्टाइसेस, डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इन यू सेट इज अगेन इवन। ये नोट करने लिए बात है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इवन ही होगा। अब हम लगाएंगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। सो फर्स्ट, बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी ये कहता है कि आपके पास डिग्री के सम ले लीजिए, डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस बिलोंग्स फ्रॉम जी, सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस बिलोंग्स फ्रॉम जी इज ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस, वी कॉल ई इज द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। दिस सम इज सेम एज डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस फ्रॉम यू सेट एंड डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस फ्रॉम वी यू सेट इज सेम एज, क्योंकि हमने इसी सेट को, वी सेट को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक में इवन वाले, एक में ऑड डिग्री वाले वर्टाइसेस कलेक्ट किए, एक में इवन डिग्री वाले वर्टाइसेस कलेक्ट किए, और इन दोनों का सम मतलब वी ही यहाँ सेट मिलने वाला है, ये सेम हो गया। अब ये नंबर क्या है, इवन है, ये इवन है, अभी हमने देखा इवन है, तो हमें क्या मिल गया, ऐसे डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस फ्रॉम यू डब्ल्यू सेट, सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम डब्ल्यू सेट इज इवन, दिस टर्म इज इवन माइनस इवन। तो दो नंबर, इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इवन ही मिलता है। तो यहाँ से हमें मिल गया डिग्री, सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम वी या डब्ल्यू सेट इज अगेन इवन। अब यहाँ से हमें कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो डब्ल्यू सेट के अंदर ऐसे वर्टाइसेस थे, मान लीजिए डब्ल्यू सेट हमारा,
उसके अंदर कुछ ने भी फाइनाइट नंबर्स के होंगे, कुछ ने भी फाइनाइट, मान लीजिए वी 10 तक पकड़ लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, सपोज मान लेते हैं उसके पास वी 10 है और हर एक की डिग्री कितनी है, हर एक की डिग्री वी आई, और वी आई कहाँ से लिया गया, डब्ल्यू सेट में से लिया गया, उनकी डिग्री कितनी है, ऑड है, ठीक है। अगर मैं हर एक की डिग्री का ऐड करते चलूँ ना, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, मान लीजिए ये नंबर जो है ना ये इवन है, ई ऑड है, ऑड नाइन टर्म्स कंटेन किया मतलब ऑड है, तो ऑड प्लस इसकी डिग्री ऑड है प्लस इसकी डिग्री ऑड है प्लस अप टू कितनी बार मुझे ऐड करना है ऑड को, 9 बार ऐड करना है। और ऑड को हम अगर हमने ऑड टाइम्स ऐड किया ना, क्योंकि 9 ऑड है, ऑड को ऑड टाइम्स ऐड किया ना, हमेशा हमें ऑड मिलता है। तो हमें बट क्या चाहिए, इवन, हमारा यहाँ से थ्योरम बोल रहा है कि हमें इवन मिलना चाहिए। तो ये जो नंबर है ना ऑड टाइम्स ऐड नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको इवन टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये जो सेट है ना इसके अंदर डेफिनेटली इवन नंबर के एलिमेंट्स होंगे, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे पता है, इवन वर्टाइसेस होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू जो होगी ना वो डेफिनेटली इवन होगी। अगर ऑड हो गई तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, बट हमें ये कंडीशन बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी हमें ये बता है कि ये होल्ड हो रहा है। होल्ड हो रहा है मतलब हर एक का जो डिग्री जो ऑड है उनका सम करने पे कितना आना चाहिए, हमेशा इवन आना चाहिए। अगर डब्ल्यू ने ऑड कंटेंट ऑड नंबर के कंटेंट्स किए तो उनका सम हमेशा ऑड मिलेगा, बल्कि हमें क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली डब्ल्यू के पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑड इवन नंबर के एलिमेंट्स होने चाहिए, इवन नंबर के। तो कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू हम बोल सकते हैं कि इवन ही होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोई भी ग्राफ में अगर ऑड नंबर के डिग्री ऑफ वर्टाइसिस है, टोटल ऑड द नंबर ऑफ ऑड डिग्री ऑफ वर्टाइसिस हमेशा होंगे इवन, मतलब कोई भी वर्टाइसिस जी ले लीजिए उस ग्राफ के अंदर, सपोज मेरे पास 3 डिग्री ऐसी है जिनकी वर्टाइसिस ऑड है, उनकी डिग्री 3 वर्टाइसिस ऐसे है जिनकी डिग्री ऑड है, तो ये जो होंगे ना नंबर ये हमेशा इवन होगा, 3 कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए पॉसिबल ही नहीं ऐसा ग्राफ बनाना कि जिसके अंदर 3 वर्टाइसिस हो जिनकी डिग्री ऑड हो, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी डिग्री ऑड के लिए टोटल इवन नंबर का वर्टाइसिस चाहिए। तो यहाँ से हम बाय